सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक यू। आज हम फिर हाजिर एक नए टेक वीडियो में एक नए टेक्नोलॉजी के साथ। हाँ, वीडियो आपके लिए लेट जरूर लेके आया हूँ, बट डोंट वरी, आपके लिए एक अच्छा ओप्पो का इको बड्स 2 लेके आया हूँ, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और इसकी प्राइस, इसके फीचर्स और इसे 4 फीचर्स जो आपको जानने के बाद इस फोन बड्स को लेने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो आपको ये 4 फीचर जरूर जानने चाहिए यदि आप इस बड्स को लेना चाहते हैं, और फिर आप डिसाइड करिए आपको ये बड्स लेना है कि नहीं। और ये 4 फीचर्स जानने हैं आपको तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। चलिए बिना लेट करें वीडियो की रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जैसे आप फर्स्ट स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ओप्पो का बड्स 2, ये एक ब्लूटूथ हेडसेट है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे इसके लुक्स को देख पा रहे हैं, ये हमारे पास जो केस है वो ब्लैक कलर का केस है। एंड इसके हाईलाइट्स में बात करूं तो 28 आवर्स की इसकी बैटरी है एंड माइक्रोफोन के साथ। और आगे हम इसके कुछ और हाईलाइट्स देखेंगे, इसके पहले हम और कुछ भी देख लेते हैं। इसमें एक लार्ज 10 mm का स्पीकर भी देखने को मिल जाता है ड्राइव। एंड ये हुआ इसका लुक, ये हुई इसकी ब्रांड एम्बेसडर। एंड चलो बिना लेट करे इसके हाईलाइट्स पे पहुंचते हैं। जैसे हाईलाइट में आप देख पा रहे हैं तो ऑब्वियसली हर एक बड्स की तरह इस बड्स में भी आपको माइक देखने को मिलता है, ठीक है। ब्लूटूथ वर्जन भी मिलेगा, 5.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है, दैट्स गुड, क्योंकि हमको एक एडवांटेज भी चाहिए। अब आ जाते हैं इसकी बैटरी लाइफ, जो कि इसकी मोस्ट मेन और प्लस पॉइंट है, क्योंकि हर एक बड्स हो, ईयरफोन हो, चार्जर हो, या फिर हेडसेट हो, या फिर यहाँ तक कि मोबाइल भी हो, बैटरी लाइफ तो चाहिए ना। तो ये जो बड्स है ओप्पो का 1.5 आवर, यानी कि लगभग 1.5 घंटे चार्ज करने के बाद 28 घंटे तक का एक बैकअप देता है, मतलब 28 घंटे चला सकते हो आप इसको। ये एक अच्छा ही फीचर है आपके लिए। एंड अगर इसकी ड्राइव में, तो ड्राइव क्या है इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप ये जान लें कि ये बड्स इसमें आपको 10 mm का एक ड्राइव देखने को मिलता है। एंड आज आप इसके और साउंड डिटेल्स में, तो इसमें आपको डॉल्बी एटम साउंड का सपोर्ट देखने को मिलता है, डॉल्बी एटम, और प्लस इसमें आपको इसी का इको स्टीरियो साउंड देखने को मिलता है, जो स्टीरियो साउंड लाइव इफेक्ट देगा। सबसे और अहम बात जो कि हर बड्स में आजकल आने लगा है, बट होना तो चाहिए भाई, चाहे वो बड्स सस्ता हो या महंगा, जो है AI डीप नॉइस कैंसिलेशन। यदि आप बड्स पहन के कोई वीडियो शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो बाहर का बैकग्राउंड साउंड होता है उसको कैंसिल करने वाला एक नॉइस AI नॉइस कैंसिलेशन की जरूरत होती है, वो इस बड्स में इंक्लूड है। अब इसकी प्राइस भी बात करेंगे, इससे पहले हम कुछ और देख लेते हैं। तो इसमें आपको एक इंटेलिजेंट टच सेंसर कंट्रोल देखने को मिल जाता है। और हाँ, ये बड्स आप पानी में पहन कर भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको IPX4 वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिलता है। अब सीधे इसमें बिना लेट किए बड्स के साउंड पे आते हैं, तो साउंड हाई डिपेंड करता है उसके ड्राइव पे। और ड्राइव क्या है, ड्राइव होता है एक स्पीकर का साइज। स्पीकर का साइज मतलब ये आप तो जानते हो कि बस का क्या है, स्पीकर कहीं भी हो तो जब बड्स है तो बड्स के अंदर भी स्पीकर होगा। तो जो इस बड्स के अंदर का जो स्पीकर का साइज है वो 10 mm का साइज है। और ये mm जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा स्पीकर होता है, उतना ज्यादा बेस देता है। तो इसमें 10 mm का जो साइज है वो एक सफिशियंट है हमारे कान के वॉइस के लिए। तो ये दैट्स व्हाई इसका वन एंड टॉप फीचर्स हुआ, ये एक वजह है जिसकी वजह से इसको लेना चाहिए। एंड में सेकंड वजह की इसकी बात करूं तो जो है इसकी बैटरी पिकअप, 1.5 घंटे चार्ज करने के बाद जो ये 28 घंटे चलता है भाई, ये हर बड्स में होना चाहिए और होता भी है, बट कभी कभी किसी बड्स में नहीं होता, जो कि फेंक निकलते हैं, वो क्लेम तो करते हैं बट वो ऐसे फीचर्स नहीं देते। तो ये बड्स का जो सेकंड मेन फीचर है वो इसकी आप बैटरी पिकअप है। थर्ड की बात करूं तो वो ऑब्वियसली बात है, आपने तो आपके दिमाग में अब तक तो आ ही गया होगा इसका डॉल्बी एटम होम स्पीकर। हाँ, डॉल्बी एटम बॉम्स होने की वजह से इस स्पीकर की वैल्यू और बढ़ जाती है। चौथी और सबसे खास चीज वो ये है इसका AI नॉइस कैंसिलेशन। यदि आप जैसे मैंने बताया ब्लॉग वीडियो शूट कर रहे हैं कान में पहनकर, या फिर कोई म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप माइक नहीं यूज कर रहे हैं ईयरबड्स से आपके पास, तो ये जो AI डीप नॉइस कैंसिलेशन है आपको वहां बहुत हेल्प करता है। और इसके फोर्थ और मेन फीचर्स में मैं आ जाऊं तो इसका फोर्थ और मेन फीचर तो ये है कि इसकी जो प्राइस है वो आपके भाई एंडलेस है, मतलब कि जो इसका प्राइस है वो केवल 1799, और मेरे दिन से लेते हो तो ये प्राइस इतनी रहने वाली है, कम तो होने वाली नहीं है, क्योंकि आप बाहर से लो या मार्केट से। अब इसकी मार्केट प्राइस की मैं बात करूं तो जो है इसका मार्केट प्राइस है 3999, तो भाई इस प्राइस रेंज में जो ये बड्स है ओप्पो का इको बड्स 2 स्पेशल एक्सपीरियंस देने वाला है आप तक, अभी तक जो आपने बड्स यूज किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, वीडियो और इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
ताकि और लोगों को भी पता चल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फोन या फिर टीवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।